हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर इंग्लिश टीचर शिखा एंड इंग्लिश थर्ड के चैप्टर फोर में आज हम पढ़ने वाले हैं आवर बिलव नेताजी का चैप्टर, जिसमें पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिससे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर टूडेज चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर, and the name of the chapter is our beloved Netaji। यानी कि इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन देखते हैं और देखते हैं इसमें हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मिली है। रिकॉग्नाइज एंड राइट द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रीडम फाइटर्स हूज पिक्चर्स आर गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर्स गिवन है, आपको उनको उन फ्रीडम फाइटर्स को रिकॉग्नाइज करना है एंड उनके नेम्स यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है उस पर लिखने हैं। मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुभाष चंद्र बोस एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और उनका हमारी कंट्री को आजाद कराने में एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। उनके फादर का नाम था श्री जानकीनाथ बोस एंड उनकी मदर का नाम था श्रीमती प्रभावती। उन्होंने अपनी 10th का जो एग्जाम था उसमें पूरे ओडिशा में सेकंड पोजीशन प्राप्त की थी और उसके बाद उन्होंने BA ऑनर्स किया और वहां पे उनको मिली फर्स्ट डिविजन। उसके बाद वो ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंग्लैंड गए, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में ये जो एग्जाम था वो नहीं था और उसके लिए आपको फॉरेन कंट्री में जाना पड़ता था अगर आपको वो एग्जाम देना है। तो उन्होंने उस एग्जाम को केवल 8 months की शॉर्ट ड्यूरेशन में ही पूरा कर लिया, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड में वो जो उनको जॉब ऑफर हुई वो नहीं की, क्योंकि उनको वापस अपने देश आना था और यहाँ के लोगों की अपनी मातृभूमि की सेवा करनी थी। तो इंग्लैंड में जो उन्हें जॉब मिली ये एग्जाम क्लियर करने के बाद वो जॉब उन्होंने नहीं ली, उस जॉब को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें वापस इंडिया आना था और अपनी मदरलैंड की सेवा करनी थी। सो वो इंडिया वापस आ जाते हैं और उन्होंने कलकत्ता में, जिसको अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, वहां पे एक सोशल सर्विस का काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें 1918 में कोलकाता का मेयर चुना गया। उन्होंने 5 महीने तक एज अ मेयर वर्क किया, उसके बाद उन्होंने अपनी उस पोस्ट से रिजाइन कर दिया और उन्होंने जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत जल्दी ही वो एक बहुत फेमस लीडर बन गए और उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का उनको प्रेसिडेंट चुना गया और उसके बाद वापस 1939 में भी उन्हीं को ही चुना गया, अगले साल भी उन्हीं को ही प्रेसिडेंट बनाया गया। 1941 में जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था तो वो चुपके से अरेस्ट जो उनको किया गया था वहां से निकल के और फॉरेन कंट्री में पहुंच जाते हैं। फॉरेन कंट्री में पहुंचने के बाद वो पहुंचते हैं जर्मनी और वहां वो हिटलर से मिलते हैं और हिटलर से वो हेल्प मांगते हैं कि मुझे अपनी कंट्री को जो ब्रिटिश एम्पायर है उससे आजाद कराना है, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। उसके बाद वो एक सबमरीन की हेल्प से सिंगापुर पहुंचते हैं और वहां पे वो इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं INA, उसको स्टैब्लिश करते हैं और उसको स्टैब्लिश करने में उनकी हेल्प करता है जर्मनी और जापान। जितने भी इंडियन ट्रूप होती है, जो भारतीय सैनिक होते हैं, वो सिंगापुर बुला लिए जाते हैं उनकी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, और जो इंडियंस वहां पहले से रह रहे थे जापान और जर्मनी में या सिंगापुर में, उनको भी इस मिशन में शामिल कर लिया जाता है। उन्होंने फेमस स्लोगन दिया था जय हिंद का और उसके बाद ये एक नेशनल स्लोगन बन गया, मतलब हर बच्चे की जबान पे यही स्लोगन था। और उन्होंने इंडिया के पीपल को नारा दिया था, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर उन्होंने आसाम में, पहले जो इम्फाल है वो आसाम का एक पार्ट हुआ करता था, वो सक्सेसफुल हो गए आसाम तक पहुंचने में। कहां से? सिंगापुर से वो चुपके चुपके आसाम में पहुंच गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उनको अपना मिशन रोकना पड़ा क्योंकि
जापान और जर्मनी जो है वो वर्ल्ड वॉर टू में हार गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में वो हार गए थे और अब नेताजी की कोई हेल्प नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नेताजी को अपना जो मिशन था उसको रोकना पड़ा। ऐसे कहा जाता है कि वो 18 अगस्त 1945 में एक एयर क्रैश, एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे और जो इंडियंस है यानी कि हम हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सो स्टूडेंट, ये था एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आई होप आपको उनके बारे में जान के काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज दैट इज रीड एंड राइट सेक्शन की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज पार्ट में आज हमें कौन सी एक्सरसाइज मिली है, कौन सी क्वेश्चन मिले हैं। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, वेयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उड़ीसा में। सेकेंड, वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस गो टू अपियर फॉर द ICS, इंग्लैंड। थर्ड, इन विच ईयर वॉज ही इलेक्टेड द मेयर ऑफ कैलकटा, मेयर ऑफ कैलकटा वो कब बने थे, 1918 में। नेक्स्ट, हुम डिड ही मीट इन जर्मनी, जर्मनी वो किससे मिले थे, हिटलर से। फिफ्थ, वॉट स्लोगन वॉज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को का फेमस स्लोगन क्या था, जय हिंद। बी पार्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, अब आपको क्या करना है, उन स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड जो मिसिंग वर्ड है उसको फिल करना है। श्री वॉज हिज फादर एंड श्रीमती वॉज हिज मदर, सो श्री जीवन भाई, श्रीमती सुमित्रा देवी, इन नेम आप फुल करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। सेकेंड, ही पास द कट फोर, सेकेंड ही पास द बीए ऑनर्स एग्जामिनेशन एंड सिक्योर्ड अ फर्स्ट डिवीजन, उनको बीए ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन मिली थी। ही पास्ड ओनली इन 8 मंथ, ICS एग्जाम उन्होंने केवल 8 मंथ में पास आउट कर दिया था। He was elected the mayor in 1918. Fifth, he organized the Indian National Army with the help of Germany and Japan. Jai Hind become our national slogan. Rashtriya Nara ban gaya tha. Jai Hind. So students, this was our today's chapter. I hope aapko Netaji Subhash Chandra Bose ka chapter kafi achha laga hoga. एंड दिस वॉज अवर टूडेज वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।